टी20 वर्ल्ड कप के लीग मैच में पाकिस्तान की भारत पर जीत के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी भारतीय खिलाड़ियों द्वारा मैच से अधिक वोकल्चर पर ध्यान देने के कारण विवाद हो रहा है, तो कभी भारत में पाकिस्तान की जीत पर फूटने वाले पटाखों के कारण विवाद हो रहा है। वकार यूनुस के बयान और चेन्नई स्थित कंपनी द्वारा पाकिस्तान की जीत पर मनाई जा रही खुशियां आदि कई अन्य विवाद समानांतर चल रहे हैं। इसी क्रम में अब भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की जुबानी जंग सोशल मीडिया पर देखने को मिली है। भज्जी ने ट्विटर पर पाकिस्तानी खिलाड़ी को भले ही करारा जवाब तो दे दिया, लेकिन पाकिस्तान के प्रति उनके दिल में जो प्रेम भरा है उसका क्या होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल हरभजन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात का वास्तविक प्रमाण देती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भज्जी को कुछ ज्यादा ही लगाव है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे TFI की इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल पाकिस्तान की जीत के बाद मोहम्मद आमिर ने ट्वीट करते हुए लिखा, हेलो एवरीवन। वो पूछना था, हरभजन पाजी ने टीवी तो नहीं तोड़ा अपना? कोई नहीं, होता है, अंत में ये क्रिकेट का खेल ही तो है। मोहम्मद आमिर द्वारा सीधे तौर पर हरभजन का नाम लेकर व्यंग करने के कारण हरभजन सिंह भड़क गए। आमिर के जवाब में हरभजन ने भारत पाकिस्तान के पुराने मैच की वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें हरभजन ने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर छक्का मारकर भारत को जीत दिलाई थी। ये ओवर मोहम्मद आमिर ही फेंक रहे थे। हरभजन ने वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, अब तुम बोलो मोहम्मद आमिर, ये 6 की लैंडिंग तुम्हारे घर की टीवी पर तो नहीं हुई थी? कोई नहीं, होता है, तुमने सही कहा, अंत में क्रिकेट का खेल ही है। मोहम्मद आमिर को हरभजन की बातों का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक दूसरे मैच की वीडियो क्लिप शेयर कर दी, जिसमें शाहिद अफरीदी ने हरभजन सिंह को लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के मारे। इसके जवाब में भज्जी ने मोहम्मद आमिर के मैच फिक्सिंग वाले प्रकरण को उठा दिया। आपको बता दे कि भज्जी मोहम्मद आमिर को जवाब इसलिए दे रहे थे क्योंकि आमिर ने सीधे तौर पर उनका नाम लेकर मजाक बनाया था, नहीं तो हरभजन भी उसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना वाले खिलाड़ी हैं जो भारतीय राजनीति के सेक्युलर विचारों की तरह ही बोगस है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऐसे देशों के साथ दिखाई जा सकती है जिनका व्यवहार भारत के प्रति दोस्ताना हो, किंतु पाकिस्तान तो क्रिकेट मैच को जंग की तरह देखता है। पाकिस्तान की भारत पर जीत को खुले तौर पर मुसलमानों की हिंदुओं पर जीत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वकार यूनुस के हालिया बयान ने इस बात की पुष्टि भी की है कि पाकिस्तान खेल को हिंदू और मुसलमान की जंग की तरह देखता है। वहीं भज्जी ने आमिर को जवाब तो दिया, लेकिन उनका पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा नहीं है और वो समय समय पर देखने को मिलता रहता है। पिछले वर्ष मई महीने में हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने शाहिद अफरीदी के NGO के लिए सोशल मीडिया पर चंदा मांगा था। ये दोनों खिलाड़ी शाहिद अफरीदी से अपनी मित्रता निभा रहे थे, जबकि इसके कुछ ही दिनों बाद शाहिद अफरीदी ने कश्मीर को लेकर ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे जिससे भारतीयों की भावनाएं आहत हुई। किसान आंदोलन के दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ पर हरभजन सिंह ने खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उसे शहीद करार दिया था। विवाद बढ़ने पर हरभजन ने माफी मांगते हुए कहा कि तस्वीर उन्हें व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मिली थी और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था। दूसरी ओर पाकिस्तानी खिलाड़ी इंजमामुल हक ने भी बताया था कि वह भारतीय मुस्लिम खिलाड़ियों को अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए निमंत्रण भेजता था, तो उस दौरान हरभजन सिंह भी वहां मौजूद रहते थे। इंजमाम ने बताया था कि हरभजन मौलाना की बातों से इतने प्रभावित हुए थे कि वे इस्लाम अपनाने पर विचार करने लगे थे। आपको बताते चले कि हरभजन सिंह के शोएब अख्तर के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं और शोएब अख्तर वही खिलाड़ी है जिन्होंने खुले तौर पर गजवाए हिंद को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में आज भज्जी अपने अपमान के कारण भले ही पाकिस्तानी खिलाड़ी से भिड़ रहे हो,
लेकिन उक्त घटनाओं से स्पष्ट होता है कि हरभजन बहुत बड़े पाकिस्तान प्रेमी हैं। उनकी मोहम्मद आमिर के साथ हुई जुबानी जंग उनकी व्यक्तिगत खीज के कारण हुई है, ना कि देशभक्ति की भावना के कारण।